फ्रेंड्स, वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रोड के बारे में मैंने जानकारी देने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग नए हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इसमें डिटेल समझ जाए। तो मैं आपको यह बता दूँ कि ये 4 लेन है और इस 4 लेन में MCW, LHS, MCW, RHS ये क्या चीज़ें होती है, मेडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कलवर्ट क्या होता है, क्रैश बैरियर क्या होता है, अप्रोच स्लैब क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीकूसी रोड इस साइड बना हुआ है और एक दूसरी साइड इस साइड भी बना हुआ है। तो इसमें LHS और RHS साइड कौन सा होगा? MCW यानी मेन कैरेज वे, LHS यानी लेफ्ट साइड एंड RHS यानी राइट हैंड साइड। तो आपको मैं बता दूं, आपके प्रोजेक्ट का डायरेक्शन जिस चैनेज से शुरू होता है और दूसरी चैनेज में ख़त्म होता है, तो आपके प्रोजेक्ट के डायरेक्शन में आप अपना सर मुंह करके खड़ा हो जाएंगे। तो आपका जो लेफ्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और आपका जो राइट हैंड रहेगा वो आप प्रोजेक्ट का राइट हैंड साइड रहेगा, बशर्ते कि प्रोजेक्ट का डायरेक्शन आप एक बार फिक्स कर लीजिए। और ये लेफ्ट और राइट हमेशा लेफ्ट और राइट ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप अगर बॉम्बे से गोवा जा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट का अगर बॉम्बे से गोवा है तो आपका मुंह गोवा की तरफ होना चाहिए और आपका लेफ्ट प्रोजेक्ट का लेफ्ट और आपका राइट प्रोजेक्ट का राइट। यहाँ पे बहुत सारे न्यू कमर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लेफ्ट साइड कौन सी और राइट साइड कौन सी। तो आपको मैं बता दूँ, मेन कैरेज यानी MCW यानी मेन कैरेज वे, आपको यह बता देता हूँ कि ये यहाँ पे इस साइड का जो पोर्शन है वो LHS है और इस साइड का पोर्शन है वो RHS है। तो जो बीच में दोनों रोड के बीच में जो जगह बची हुई है इसको मेडियन कहते हैं। यहाँ पे 12 मीटर की मेडियन है और यहाँ पे अर्दन ड्रेन बनाई जाएगी। और ये साइड में आप जो छोटा सा उठा हुआ पोर्शन जो दिख रहे इसको कर्ब कहते हैं। यहाँ की आप देख सकते हैं, एक कर्ब है। तो यहाँ पे जो ये जो रोड बनी हुई है ये आरीवाल पोर्शन के ऊपर है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो ये जो कट यहाँ पे किया हुआ है, ये जो पानी यहाँ पे जमा होगा ये पानी के लिए है, यहाँ से ड्रेनेज बनाए जाएंगे। इस कर्व के पीछे मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाया जाएगा और उसके पीछे एक ड्रेन होगी और यहाँ पे जियो सेल लगाई जाएगी, उसमें कंक्रीट फिल किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरीवाल जो है वो पार्शियल हाइट की आरीवाल है और इस पे स्लोप पोर्शन में पूरा पैक किया जाएगा। इसके लिए पैक करते हैं जियो सेल से कि उसमें क्रैक ना हो और वाटर की इंट्री उसके अंदर ना चली जाए और ये आरीवाल पूरी तरह सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे, उसका स्लोप पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे आप आगे मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। चलिए इसके स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। आपको मैं स्ट्रक्चर में बता दूँ कि स्ट्रक्चर में बहुत सारे टाइप है, जिसमें होता है HPC ह्यूम पाइप कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, उसके बाद होता है MNB माइनर ब्रिज, MJB मेजर ब्रिज, VUP व्हीकल अंडर पास, PUP पेडेस्ट्रियन अंडर पास, CUP कैटल अंडर पास। बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, उनके यूजेस के ऊपर उनके नाम पड़ते हैं। फ्लाईओवर, ROB, ROB यानी रेलवे ओवर ब्रिज, जहाँ रेलवे होती है, जहाँ क्रॉसिंग होता है उसको ROB कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके यूजेस के ऊपर उसके नाम होते हैं। अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो व्हीकल अंडर पास है और ये व्हीकल अंडर पास में आप देख सकते हैं अप्रोच मेकिंग का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन जो खड़ा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे क्रैश बैरियर कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जो पैरापेट जैसा सेफ्टी का फंक्शन है इसका, ताकि गाड़ी नीचे ना गिरे। जो गाड़ियाँ चलती है बाहर से, वो अगर कोई गाड़ी कुछ भी हो तो नीचे चली ना जाए, आप सिंपली समझ सकते हैं का। उसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे सलिया निकली हुई है, इस पोर्शन को मेडियन पोर्शन करते हैं। इसको मेडियन वाल बोलते हैं कि जो वाल बनी हुई है इसको मेडियन वाल बोलते हैं। और यहाँ पे आप जो एप्रोस स्लैब बनाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे JCB जो कटिंग कर रहा है यहाँ पे, एप्रोस स्लैब के लिए कटिंग कर रहा है। जो स्ट्रक्चर के हर अप्रोच में जो स्लैब डाला जाता है
उसकी थिकनेस 300 mm होती है और लंबाई नॉर्मली 3.5 meters होती है, और जितना स्ट्रक्चर का जितना लेंथ होता है उतनी लेंथ में वो होता है। तो लेंथ उसकी स्ट्रक्चर की लेंथ की इतनी होगी, और इसका विड्थ उसका 3.5 meters होगा, और थिकनेस इसका 300 mm होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन में, यहाँ पे ये ब्रैकेट बना होता है हर स्ट्रक्चर में जहाँ पे एप्रो स्लैब आना होता है वो, और उसके ऊपर नीचे कटिंग की जाती है 100 mm, वहाँ PCC डाला जाता है 150 mm का सॉरी, और उसके ऊपर फिर एप्रो स्लैब का सलिया बांध के हम लोग क्रैश बैरियर, ऐसे जिस तरह से ये क्रैश बैरियर बन रहा है उसी तरह से ये क्रैश बैरियर यहाँ पे बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इस पोर्शन में स्ट्रक्चर आने की वजह से या आरीवाल जहाँ पे जुड़ने की वजह से या प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है, और जो साइड वाले इधर वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन होता है, तो इस पोर्शन में सेटलमेंट का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ये पोर्शन बैठ जाता है। इसके लिए यहाँ पे RCC स्लैब डाला जाता है जिसे अप्रोच स्लैब कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और आफ्टर कॉम्पैक्शन ही इसे डालना अच्छा रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ बना लिए थे और इसके ऊपर ट्रैफिक को अलो किया था, 1-2 महीने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक मूव हो गया, तो जितना सेटलमेंट इसको मिट्टी का होना था उतना हो गया, अभी इसमें कोई चांस नहीं है सेटलमेंट होने का, और उसके बाद हम लोग PCC करके एप्रो स्लैब करेंगे। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी, और भी बहुत सारी जानकारी रोड में होती है, और मैं टाइम टू टाइम आपको हर जानकारी देते रहूँगा, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।